नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। फिरोजाबाद के थाना नानखी के कायथा में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से 6 लोग लहूलुहान हुए हैं, जिनको उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। आरोप है एक पक्ष ने एम्बुलेंस को रास्ते में रुकवा कर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला है थाना नारखी के गांव कायथा का, जहां बुधवार की देर शाम गांव में उस समय दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से 6 लोग लहूलुहान हुए हैं। बताया जाता है लोकमन और सेब सिंह नामक दो पक्षों में जमीनी रंजिश को लेकर लाठी डंडों से मारपीट हो गई। खूनी संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। लोकमन अपने परिवार के घायलों को लेकर 108 एम्बुलेंस से फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए जा रहा था। इसी दौरान सेब सिंह नामक पक्ष के लोगों ने कोटला और बच्चा के बीच में एम्बुलेंस रुकवा कर घायलों को जमकर पीटा, जी हाँ, जिससे एम्बुलेंस चालक स्टाफ दहशत में आ गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायलों के नाम है लोकमन, नितेश, मुस्कान, उर्मिला देवी। दूसरा पक्ष है सेब सिंह और उसकी पत्नी राजनश्री। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। साथ में आए थे, ये गले से मैंने यू मुट्ठी खींच ली थी उसकी, ये शादी उसी की है, ये उसका सबूत है कि उसने एम्बुलेंस ड्राइवर भैया सिंह है, अलीपुर खेड़ा जिंगमैनगिरी का रहने वाला हूँ, एम्बुलेंस का पायलट हूँ मैं। अच्छा, तो क्या हुआ था अभी? ये रास्ते में गाड़ी रुकवा के और इनको मारपीट की, गाड़ी बैड़ी बैड़ी लगा दी थी मेन रोड पर। तो उसमें पुलिसकर्मी भी साथ में थे क्या? हाँ थे। मैं उसका क्या बात है? आपकी बात है, मतलब वो लोग हम लोग ऐसे घर पर थे, वो तीनों चारों लोग हमारे घर पर चढ़ के मेरे घर पर इज्जत लूटने आए थे। फिर हम लोग रिपोर्ट करने के लिए थाने जा रहे थे, दोनों बीच में घेर कर सब लोग ले लेके खड़े हो गए मारने के लिए। एम्बुलेंस करवाई, तब उन्होंने उसमें एम्बुलेंस में घुस के मेरी इज्जत लूटी, कपड़े फाड़ दिए, मेरे घर वालों सबको, मम्मी पापा को, भैया को, सबको, मेरे भाई को मार डाला हुआ था, बच गया ने खून मेरा बह रहा है। दशहरी लाल बंटू बबलू और उसका बाप सेव सिंह, ये चार लोग थे। पुलिस को फोन किया, पुलिस नहीं आई? पुलिस को फोन किया, नंबर लग नहीं रहा है। पुलिस चौकी की पुलिस को बदतमीजी के साथ, पुलिस के ही साथ वो आए थे। पुलिस ने गाड़ी रुकवा कर जो एम्बुलेंस उसी ने सब कुछ करवाया है पुलिस वालों ने। पर क्या बात हुई थी, पूरी बात बता। बात जी भाई, हमारी पहले जमीन दाब ले, जमीन वो एक प्लॉट घेर लिया और दूसरा हम एक बच्ची रही सो बनावे के चक्कर में तो अर्रा पर चूल चौका सगर फोट डाले। मैं बाली बच्चे हम हारते आए रहे जी, अब थाने जाए रहे, फिर अब कहें इस तरह कर आए सो बम्बा पर रोके ठाड़े, तब एम्बुलेंस भैया जी जी आए, तब बैठार के तब जी यहाँ आए के गाड़ी रुकवा के और तब फिर हमें चारों ने पैर रहा था। तो हमारे तीन बच्चा रह गए घर पर, छोटे 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 की बात है, जो कायथे की बात है, तीन बच्चा रह गए थे। आप सभी को DFO चंदेश्वर सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पीस पार्टी जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गुड़िया गुलशन खान पार्षद व पार्षद पति गुलशन खान की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को डॉक्टर आर एस सुधाकर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को डॉक्टर अभिषेक की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को डॉक्टर रोहित यादव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।